जो भी रीज़न रहा हो, पर अगर कोई भी आदमी अपनी कंपनी बेच रहा है, इसका सीधा से ये मतलब है कि उसको लॉस हो रहा है या आगे चल के उसको नुकसान हो। और सोनू सूद ने भी कल कमेंट किया है कि वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट, बट पैंडेमिक के बाद ये एक असर तो आया है कि कुछ सीट्स होती हैं 700, 800, 900 के तकरीबन सीट्स निकलती हैं, और उस सीट्स में जितने लोग सेलेक्ट हो जाते हैं उनकी ज़िंदगी बन जाती है। नमस्ते, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम। और आज की डेट है 8th of June। आज मधुरिमा आता है जिसमें अच्छी अच्छी कहानियाँ आती हैं, इसे हम बाद में देखेंगे। तो लेट्स सी द न्यूज़। राज्यसभा चुनाव जो अभी चल रहे हैं इस समय, सो कर्नाटक में एक सीट पर पेंच है। कांग्रेस ने की सेक्युलरिज्म दिखाने की अपील। ओके, चार सीटों के लिए वोटिंग 10 जून को, 6 उम्मीदवार मैदान पे। तो आप सभी जानते हैं राज्यसभा चुनाव पर अभी चल रहे हैं इस समय, भाजपा ने समर्थन किया है सुभाष चंद्रा को। सुभाष चंद्रा जी टीवी जो जी नेटवर्क है उसके ऑनर हैं। तो कश्मीर से न्यूज़ आई है कि 24 घंटे में 4 आतंकी ढेर, 3 पाकिस्तानी निकले। तो वो तो डंडील है कि उसमें जो आतंकवादी हैं वो पाकिस्तानी ही हैं मैक्सिमम। मैं तो बोलते 4 में से 4 निकल जाएंगे अगर तुम अच्छे से ढूंढोगे तो। एप्पल का आईफोन 16 लॉन्च, भेजे गए मैसेज एडिट और अंडू भी कर सकेंगे। ओके वाह, 1.5-2 लाख के फ़ोन आते हैं इनके, अभी पता नहीं कितने का आएगा। 16 लोगों की किडनी बिक जाती है फोन खरीदने के लिए, पर एप्पल की क्वालिटी भी तो अच्छी है। लो, जिसके पास एप्पल है वो दोबारा दूसरा फोन यूज करना पसंद नहीं करता, ये मैंने देखा है। किसी तरह बेचारा एक बार ले लेता 1.5-2 लाख का, नहीं फिर उसकी हैबिट हो जाती है। वो अदर कंपनी के फोन पसंद नहीं करते फिर। हैबिट भी और थोड़ा सा सोसाइटी स्टेटस सिंबल ज़्यादा वाली बात है। स्टेटस राइट, हैबिट चलो ठीक है, दिखाने के लिए आदमी ज़्यादा लेता है एप्पल। बिल्कुल, एक ऐसी न्यूज है, 5 साल में 7,000 हादसों में 5,000 मौतें। ओ माय गॉड, उत्तराखंड में जहाँ अच्छी सड़क वहाँ हादसे ज़्यादा। यहाँ वो लापरवाही चलाते होंगे जहाँ सड़क अच्छी हुई, ऐसा वो मतलब रिस्की जोन भी बोलेंगे, वहाँ केयरफुल रहना बहुत जरूरी, क्योंकि अच्छी सड़क मिली और कब टर्निंग आ गई, कब यू टर्न आया, ध्यान नहीं दिया और सीधे नीचे। ये एक न्यूज़ आई है, भ्रष्टाचार के भाई, दक्षिण अफ्रीका में आरोपी गुप्ता बंधु दुबई में गिरफ्तार। अच्छा, ये गुप्ता बंधु है भाई, दुबई से गिरफ्तार हुए, ये रहते हैं दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में रहते हैं, और इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था 1998 में। ये मौके की तलाश में 93 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, और इतना बड़ा इन्होंने बिजनेस किया कि वो सोने की खदानों के मालिक बन गए, और अभी कुछ इन्होंने कुछ गलत काम किया तो इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस पर कुछ लोगों ने केस स्टडी भी बनाई थी, कुछ यूट्यूबर्स ने, कि कैसे इंडिया के गुप्ता बंधुओं ने साउथ अफ्रीका में जाकर के एक छत्र बिजनेस किया। अब पता चल रहा है कि बेचारे गलत तरीके से बिजनेस किए तो पकड़े गए। बांग्लादेश की न्यूज़ आई है कि पिता की दिखाई दिशा न्याय पाने के लिए काम आई। पिता के कहने पर वकालत पढ़ी, उनके हत्यारों को सजा दिलाने के लिए 16 साल तक केस लड़कर उनको जेल पहुंचा। वाह, तो बहुत ही अच्छी न्यूज़, बहुत बढ़िया न्यूज़ है। फिर एक नई न्यूज़ आई है, गैस महंगी, 2 महीने में 12% घटी CNG कारों की बिक्री। साल भर में 74% बढ़ चुके CNG के दाम, बीते 2 माह में ही 18 रुपये प्रति किलो महंगी हो गई है गैस। सो गैस तो बहुत स्पीड से महंगी हो गई, जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं CNG भी महंगी हो गई, तो लोग अब CNG कार भी नहीं खरीद रहे। तो यूजली लोग जो पेट्रोल महंगी, जिनको पेट्रोल महंगा लगता था वो CNG की तरफ जा रहे थे, अब CNG भी महंगी हो गई। आई होप कि आगे चल के लोग पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक पे आएंगे। वो तो आएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल ही फ्यूचर है, फ्यूचर क्या आप तो प्रेजेंट है। अगर आप अब आप कोई भी 2-व्हीलर लेने जा रहे हो तो प्रेजेंट है, एक बार आप इलेक्ट्रिक व्हीकल तरफ जरूर देख लो। ग्वालियर, एक ही दिन में 6,000 हथियार थानों में जमा हुए, क्योंकि चुनाव आ रहा है तो लोगों को अपने हथियार
जमा करने हैं। इतने हथियार थे कि उनके थाने में जगह ही नहीं थी। सोचो पंचायत चुनाव काफ़ी हाई प्रोफाइल हो गया है, मंत्रियों के रिश्तेदार आमने सामने आ गए हैं, मलखान सिंह की पत्नी ललिता सिंह का निर्विरोध सरपंच चुनना तय हुआ है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है कि गांव में मतलब औरतें आगे आ रही हैं। पंचायत में इस समय देखा जाए तो औरतों को ही आगे लिया जा रहा है। चीन में लॉकडाउन से नहीं आ पा रही चिप, प्रदेश में 2,00,000 रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड अटके। सो बेसिकली अब आप ये सोचो कि हम कितना ज़्यादा डिपेंडेंट हैं चीन पे अभी भी, क्योंकि वहाँ लॉकडाउन लगा है और चिप नहीं आ पा रही है, तो लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस 2,00,000 रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस भी रुके हुए हैं। क्यों? क्योंकि चीन में लॉकडाउन लगा हुआ है। सो कितना बड़ा एक स्कोप है कि हम अपने भारत में ये सारी चीज़ें अभी कर सकते हैं, लोगों को रोज़गार मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जैसे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो इन सब चीज़ों से अगर आप अपने यहाँ बनाने चालू कर देते हो तो रोज़गार मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। राजधानी में आयोजित ऑल इंडिया पीपल्स साइंस कांग्रेस में DU की पूर्व डीन ने कहा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बिजनेस मॉडल है, इससे आम छात्रों को फायदा नहीं होने वाला। अच्छा, नए जो बहुत सारे चेंजेस आए हैं एजुकेशन पॉलिसी में, जैसे कि विश्वविद्यालयों की जो ऑटोनॉमस एकेडमी थी एडमिनिस्ट्रेशन वो ख़त्म हो रही है, और एक समान पाठ्यक्रम लागू किए जाने से शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा समाप्त होगी, स्कूल लेवल पर 3 लैंग्वेज फार्मूला अपनाने पर कई राज्य इसमें विरोध कर रहे हैं, और पॉलिसी के लिए कुछ उद्योग घराने आगे आए हैं, वे ही इस दिशा में काम कर रहे हैं। सब कुछ केंद्र के हाथ में आ जाएगा एक्चुअली, तो जो स्टेट है वो इसका विरोध कर रहा है। राजधानी में इस साल अब तक 15 और 2021 में दर्ज हुए 126 केस, 20 NRI युवक हुए गिरफ्तार। विदेशी नागरिकता वाले युवक को चाहिए थे पढ़ी लिखी पत्नी जो भोपाल में सास ससुर जेठ की सेवा कर सके, शादी के बाद जब राज खुला तो पत्नी ने दर्ज करवाया केस। पहले तो शादी कर लिए, मतलब फिर जब बीवी बोली कि हमें भी बाहर ले चलो तो ये नहीं ले गए और यहीं पर अपनी वाइफ को छोड़ दिए ताकि वो अपने माँ बाप की सेवा करवा सके, और चांसेस है कि वहाँ उन्होंने दूसरी शादी कर ली होगी। तो ऐसा होता है गुरु, सोच लो तुम क्या। अच्छा हुआ मैं NRI नहीं है, जो है सही है, साफ साफ बता के रखे हैं। NRI के चक्कर में पड़ते हैं लोग और फिर भटकते हैं। भट्ट तो नहीं पढ़ने देता बाबू, कुछ नहीं पढ़ने देता, बस इतना हीरो हीरो बनता है। अभी NRI होती तो क्या करते तुम? तुम NRI होती तो हम दोस्तों शादी कर लेते। DBCT में डेनिम फेस्ट, भास्कर डेनिम फैक्ट्री के वेस्ट से तैयार डेविल और विंटेज कार बने सेल्फी पॉइंट। अरे वाह, दर्शकों की कमी से रद्द हुए अक्षय कुमार स्टारर सम्राट पृथ्वीराज के कई शो। काफ़ी स्लो स्टार्ट मिला है सम्राट पृथ्वीराज को, जितना इन्होंने एक्सपेक्ट किया उससे काफ़ी स्लो हुआ है। और सोनू सूद ने भी कल कमेंट किया है कि वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट, बट पैंडेमिक के बाद ये एक असर तो आया है भाई, उसमें झूठ वाली कोई बात नहीं है। हम लोगों ने कुछ न्यूज़ पढ़ी थी कुछ समय पहले, अगर आपको याद होगा तो 11 साल पुराना जो मिट्टी से बना हुआ बांध है वो खिसक रहा था, तो उसकी अब उसकी कंक्रीटिंग शुरू कर दी गई है, उसको वापस से कंक्रीट से बनाया जा रहा ताकि वो धसके ना। ये एक नई पहल की गई है, बहुत अच्छी बात है। बोला जा रहा है काम मुश्किल तो है, हाँ, पर करना है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा है, हम सभी जानते हैं योग दिवस है, तो उसके उपलक्ष में कई जगह शिविर लगे हैं। अगर आपके भी आप भी चेक करिए, आपके घर के आसपास भी कहीं ना कहीं शिविर लगा होगा, उसको अटेंड करिए, उससे आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। और योग अगर आप सीखते हैं तो आगे चल करके आपको बहुत फ़ायदा देगा, आपकी हेल्थ तो अच्छी रहेगी बट एज अ करियर ऑल्सो इट इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तो नुपुर शर्मा जो भाजपा की प्रवक्ता थी, उनको उन्होंने एक टिप्पणी कर दी थी पैगंबर मोहम्मद के लिए, और उस पर काफ़ी सारे जो देश हैं उन्होंने आपत्ति की, और भाजपा सरकार ने उनको उस पोस्ट से हटा दिया है। उनके बयान से 15 देशों को आपत्ति हुई है। ओके, तो काफ़ी लोगों को अब काफ़ी लोग उनको धमकी भी दे रहे हैं, अलकायदा की 4 प्रदेशों में आतंकी हमले की धमकी है। सो अब धमकी भी दी जा रही है कि हम आपको आपके साथ गलत करेंगे, आपका मर्डर कर देंगे, ये सारी धमकियाँ भी दी जा रही हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, ठीक है उन्होंने जो बोला आई एग्री, गलत बोला या सही बोला वो उनका व्यू है, बट किसी को मारने की धमकी तो नहीं मिलनी चाहिए।
तो एक ये न्यूज़ आई है भोपाल वन विहार से कि वन विहार में जू कीपर ने खुला छोड़ दिया बाड़े का गेट, 2 घंटे खुले में घूमता रहा बाघ, 400 मीटर दूर बाघर सिंगा, 400 मीटर दूर बारह सिंगा के बाड़े में मिला। अच्छा हुआ कि किसी टूरिस्ट के ऊपर हमला नहीं किया उसने, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती। भोपाल की सीधी एयर कनेक्टिविटी 13 शहरों से 3 प्रमुख शहर अभी बचे हैं। ओके, कौन कौन से शहर जो बचे हैं, ये है ना, कोलकाता, लखनऊ और जयपुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स की डिमांड आ रही है। बिल्कुल, और बाकी जगह डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो चुकी है। बहुत। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र से खदेड़े गए नक्सली अमरकंटक को बना रहे हैं हेडक्वार्टर। मध्य प्रदेश में नक्सलियों की करतूत का इंटेलिजेंस इनपुट कुछ साल पहले से चल रहा है सर्वे। सो अमरकंटक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में आता है ये, और बहुत ही शानदार जगह है। कभी अगर आप नहीं गए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इस ठंड में आप अमरकंटक जाएं, बहुत अच्छी जगह है और नर्मदा जी का उद्गम स्थल है वो। बट ऐसी जगह में अब नक्सली अपना हेडक्वार्टर बना रहे हैं तो ये थोड़ा चिंता की बात है भाई, सरकार यहाँ पर कुछ ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। अब अहाते के सामने चौपाल लगाई, उमा भारती ने कहा मैं 3 दिन बाद फिर आऊँगी, पूरी रात यहीं रुकूँगी, अहाता बंद करो। तो जितने भी शराब वाले पॉइंट हैं उमा भारती उनके एकदम विरोध में सामने खड़ी होकर के आ रही हैं, वो खुल के बोल रहे हैं कि भाई ये सब अब बंद करो। और भोपाल की न्यूज़ है, भोपाल में वो कई जगह उनके वीडियोज़ भी आए हैं कि वो लगातार बोतल वोतल फेंक रही हैं। अच्छी बात। 25 की उम्र में सेल्फ मेड अरबपति, मैथ्स में रुचि ली, कोडिंग सीखी, गर्मी की छुट्टी में कंपनी बनाई, 6 साल में मूल्य 56,000 करोड़ रुपये। वाह, अपने इंडिया में भी काफ़ी सारे स्टार्टअप्स हो रहे हैं बट अमेरिका के जो स्टार्टअप्स हैं उनकी ग्रोथ काफ़ी बड़ी होती है। वी शुड थिंक अबाउट इट, क्यों वहाँ इतनी ग्रोथ है जो अपने यहाँ नहीं है। शायद कुछ सरकारी तंत्र, अगर कुछ छूट और मिले तो हमारे यहाँ भी ग्रोथ हो सकती है। जैसे हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा एक जायंट था फ्लिपकार्ट, फाइनली फ्लिपकार्ट बेचना पड़ गया, जो भी रीज़न रहा हो, पर अगर कोई भी आदमी अपनी कंपनी बेच रहा है इसका सीधा से ये मतलब है कि उसको लॉस हो रहा है या आगे चल के उसको नुकसान हो, कहीं ना कहीं होगा, इसलिए उसने बेचा। भाई हमारी पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि नुकसान ना हो, हमारे देश के स्टार्टअप्स भी आगे आए। कोविड संक्रमित सोनिया ने ईडी के सामने पेश होने के लिए और समय मांगा। सो ईडी की इनको और राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया था भाई कि आपसे कुछ पूछताछ करनी है, बट सिंस अभी वो कोरोना संक्रमित है तो इन्होंने और अभी समय मांगा है। तो टॉपर स्टॉक हुई है यूपीएससी में, जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। और एक पॉइंट बहुत अच्छा निकल कर के आया है कि मंत्री जी से एक टॉपर ने ये कहा है कि जो लोग पास हो जाते हैं, जिनकी रैंक अच्छी आ जाती है वो तो बहुत अच्छी बात है, बट जो लोग कुछ मार्क्स से रह जाते हैं उनके लिए भी कोई एक अल्टरनेट ऑप्शन होना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑल्सो वेल क्वालिफाइड एज कम्पेयर टू मैनी पीपल। सो होता ये है कि कुछ सीट्स होती हैं 700, 800, 900 के तकरीबन सीट्स निकलती हैं, और उस सीट्स में जितने लोग सेलेक्ट हो जाते हैं उनकी ज़िंदगी बन जाती है, और बाकी जो लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते कुछ नंबर से, 5 नंबर 11 नंबर 12 नंबर जितने भी नंबर, सो उनकी ज़िंदगी में फिर वो चीज़ नहीं आ पाती। तो इनका ये कहना है कि भाई उनके लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत लोग अपना बहुत अपने जीवन का एक अहम हिस्सा टाइम लगा दे शुड ऑल्सो गेट रिवार्डेड अबाउट इट। अच्छा, भोपाल का जो तापमान है वो बढ़ता ही जा रहा है, 42.8 डिग्री सेल्सियस, बहुत गर्मी है इसमें, भोपाल में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और जो इसके मतलब बोला जाए तो हीट है जो इसकी 45 हो चुकी है, बहुत गर्मी, 45 डिग्री सेल्सियस हो चुकी, बहुत तेज़ी से गर्मी बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से। बिल्कुल, और जो मानसून है वो कर्नाटक में 8 दिन से अटका हुआ है, प्री मानसून बारिश नहीं इसलिए लौटी लू। गर्मी इस समय इसलिए बहुत ज़्यादा पड़ रही है क्योंकि कर्नाटक में वो मानसून अभी अटका हुआ है। भाई साहब जल्दी से आ जाएगा, आज तारीख अगर मेरे हिसाब से 8 है तो हफ्ते 10 दिन में अब बारिश होना चालू हो जाएगी, है ना। और एक लास्ट न्यूज़ हम लोग पढ़ते हैं कि सत्येंद्र जैन जो कि आपके मंत्री हैं आप पार्टी के दिल्ली में, तो उनके यहाँ छापा पड़ा है और लगभग 2.85 करोड़ कैश मिला है और सोने के 133 सिक्के बरामद हुए। आप सोच सकते हैं कि भाई अगर नेता मंत्री बन जाओ तो बल्ले बल्ले हो जाती है। तो आप भी भाई कोशिश करो इसको एज अ करियर लेने का, आप भी नेता मंत्री बनो, अपने
बल्ले बल्ले करो, अपने जीवन में खूब सारा पैसा कमाओ, और आपको मौका मिलता है लोगों की हेल्प करने का तो हेल्प भी करना, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी अपनी हेल्प करना, नहीं तो इनके जैसे हाल हो जाएगा, पकड़े जाओ, है ना। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, आज की रील्स आपको पसंद आई होगी। अगर सच में पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ रहें। कोई सुझाव अगर आपके हैं तो प्लीज़ खुल करके आप हमें बताइए कि हम और क्या इसको और बेहतरीन तरीके से कैसे बनाएं। हम रोज़ एक वीडियो डाल रहे हैं, एवरीडे हमारा अपडेटेड न्यूज़ के साथ वीडियो आता है, और अगर आप ये सिलसिला चाहते हैं हम लोग जारी रखें तो प्लीज़ इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें और बढ़ाएँ। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, नमस्ते।